बंगाली पनीर टिक्का, उसकी प्रिपरेशन हम लोगों ने चालू कर दी है। अभी हम लोग उसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। इसमें रहेगा पुदीना, धनिया ग्रीन रहेगा, चिल्ली और अदरक लहसुन। चलो तो इसको फटाफट इसको पीस लो, इसका पेस्ट बना लेंगे, फिर उसमें पनीर को डालेंगे। चले गए हैं अदरक, अभी दो चिल्ली चाहिए। प्याज भी काट लेता हूँ मैं, और ये शिमला मिर्च भी है, इसको भी कट कर लेंगे। पनीर को भी काट लेता हूँ, ये पनीर है, इसके बड़े बड़े क्यूब्स हम ले लेंगे। रख लेता हूँ, और हम सोच रहे कि तो कुछ पोटैटो है हमारे पास छोटे वाले, इसको भी उसी मिक्स में मिक्स करके बढ़िया बना लेते हैं। तो मैं इसको भी फटाफट काट लेता हूँ, इसको हाफ करूँगा बस। अब ये हमारा पेस्ट ऑलरेडी रेडी है, चटनी वाला। अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा कर्ड, थोड़ा कर्ड डालेंगे। कर्ड डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और फिर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बहुत थोड़ी सी। हमारे पास है ये क्यूमिन पाउडर, ये आप क्यूमिन पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें आखिरी में चाट मसाला। तो मैं इसी में इसको स्प्रिंकल कर देता हूँ। और एक लास्ट चीज़ हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन, ताकि उससे थिकनेस आ जाए। तो ये मैं पूरा बेसन इसमें डाल देता हूँ। अब इन सबको हम लोग बढ़िया से मिला लेंगे। इसमें मैं सॉल्ट ऐड करना भूल गया था, तो सॉल्ट ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अब ये हो गया है रेडी। अब मैं इसको इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करूंगा, हल्का सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें लेमन डाल दिया हमने, और अब इसको थोड़ा सा मिला लेता हूँ, और फटाक से इसमें सारी चीज़ें, जैसे कि पनीर हो गया है, इसको सबको इसमें डाल दूंगा। हाथों से मैं इसको चला लूँगा, ताकि मेरा ये सब मैरिनेट होने के लिए मैं रख दूँगा। कोशिश करता हूँ इसको ऐसे मिला लूँ मैं, चम्मच से तो पनीर के पीसेस टूट जाएंगे ना। तो इसको थोड़ी देर तक मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, आधा एक घंटा, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। पोटैटो मैंने इसलिए नहीं डाले हैं, क्योंकि फिर जब मिक्स हो जाएगा तो टेस्ट सबका ख़राब हो जाएगा। पोटैटो को बाद में देखेंगे क्या करना है। तो ये काफ़ी देर से मैरिनेट हो रहा था, ऑलमोस्ट 30-45 मिनट्स हो गए हैं इसको। अब मैं इसको इस फ्राई पैन में फ्राई करूँगा। इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे बटर, फिर उसमें इसको रोस्ट करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। Oh, 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 oh
अभी ये पोटैटो भी हो रहे हैं, थोड़ी देर में ये भी हो जाएंगे बढ़िया। पनीर टिक्का रेडी हो चुका है, मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है, प्लेटिंग कर दी है। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन सिंपल है। बस अभी इसको हम लोग ट्राई करेंगे। वहाँ पे मेरे अभी पोटैटो हो रहे हैं, जब हो जाएंगे तो फिर दोनों को साथ में ट्राई करेंगे। कैसे लग रहे हैं देखने में बताओ काशु, कैसे लग रहे हैं बेटा? क्या ये पनीर, हरियाली पनीर टिक्का है ना? खाएंगे अभी अपन लेमन डाल के। ओके, लेमन डालेंगे काशु। ओके भाई, आप मत डालो, पापा कर रहे हैं। रख दो बेटा, इनको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पापा कर रहे हैं। चलो नहीं नहीं बस 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 हो गया। काशु काकी बताओ कैसा है? देखो जी, हर साल हमें अलग चढ़ा होता है। कैसा है? अच्छा है। पापा भी खाए? ये खा के बताएंगे कैसा बना है। कंधे की जकड़न को खत्म करने में लाभदायक है। कशु ने तो बोल दिया बढ़िया बना है। कशु कैसा बना है? अच्छा है। स्पाइसी है? तीखा तीखा है? अच्छा, मीडियम स्पाइसी है ना बेटा? ज्यादा तीखा नहीं रखा पापा ने। धनिया नहीं देना उसको, धनिया फट जाएगा बेटा। बाबा ये पनीर खाओ, पनीर पनीर हेल्थी होता बेटा। टमाटर खाएगा? हाँ टमाटर खा लो। अभी हमारे पोटैटोज हो रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, अगर वो कच्चे रह जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी वो हो रहे हैं, उसका टेस्ट हम लोग बाद में करेंगे। तो ये कैसा है? अच्छा है। कैप्सिकम हमें भी दो। अच्छा है बेटा, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू बेटा। तो ये पोटैटोज भी तैयार हो गए हैं, काफी क्रिस्पी लग रहे हैं। मैं इसमें से छोटा वाला खा के देखता हूँ। हो गए, थोड़ा सा लेमन डालेंगे। तो आज हम लोगों का बहुत अच्छा, इससे पहले स्टार्टर हो चुका है। स्टार्टर खा के ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट तो भर चुका है, डिनर तक तो हम जाएंगे ही नहीं। तो हल्का सा कुछ बना के खाएंगे। लो खा के देखो कैसा है। कजू खाएगा? थोड़ा सा पापा देते हैं, चम्मच नहीं आप खाओ, लोग गर्म होगा। किसकी पूरी होती है?